हां जी सब्सक्राइब करो पंजाबी रील बने कंठे नु थोड़ी भावना जी नाल दबो ता जो कोई भी वीडियो रह ना जावे माल को आ ट्रैक्टर ने भी होनी होना सी बीच आवाज कड़ी जांदा चल कोई ना बल्ले 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 पहुंच गए टाइम नाल पग घैंट है पूरी एदा दी गल ता है नहीं यार पग तो वधिया बंदा जट चलो फिर करिए शुरू जी आई एम साडे चैनल जी दा नाम है पंजाबी रील मैं तुहाडे दोस्त मिसिंग गाइस मित्र प्यारे की हाल चाल है सब ठीक ठाक हो भाजी मैं भी बहुत वधिया थैंक्स फॉर आस्किंग सो टुडे वी आर रिएक्टिंग कपिल शर्मा की फिल्म आ रही है जी कि फिरंगी बड़ा रौला पाया सी उन्हें अपने शोज़ में बड़ी प्रमोशन करती सी ऑलरेडी उन्हें तो वो जी माउथ टू माउथ फ्री प्रमोशन हुई है उन्होंने किसी शो भी जाके करन दी लोड़ नहीं पई बाकी हुण तो चलो शोज़ के अकॉर्डिंग जां ईवेंट्स के थ्रू वह कर दी है बाकी ये गल मैं किधर लै गया यार गल आप करन लगे हैं अज दे ट्रेलर दी ट्रेलर आप रल के देखांगे ते देखांगे इस ट्रेलर विच इहो जिहा की बंब कढ मारिया उन्हें क्योंकि शोज़ दे विच तां ओह अपना हसा हसा के अपनी कॉमेडी नाल अपने पंचस नाल अपनी कॉमेडी टाइमिंग नाल सब दा बुरा हाल कर दिंदा पेट विच दर्द होण लग जांदा ते अज देखदे आ कि इह फिल्म कॉमेडी है जां कोई मैसेज दे रही है जां कोई इमोशनल है जां एक्शन है किदां दी फिल्म है कुछ नहीं इहदे बारे आपां पता ते अज आपां इह ट्रेलर देखन लगे हां पर उस तों पहलां अपना चैनल सबसक्राइब कर दो ते नाल उहदे बणाया इक घंटा उहनूं थोड़े धार्मिक जिहे होके दबा जरूर देना तां जो मेरी कोई भी वीडियो तुसीं मिस ना कर पाओ ते मैं तुहानूं मिलदा रहां इदां ही तुहाडे फोनां ते तुहाडे कंप्यूटर्स ते अपना सोहना जिहा मुखड़ा लै के सो गाइज करता सबसक्राइब चलो हुण आपां फिर ट्रेलर देखते हैं तो उहदे बारे अगे देखते हैं कि इहदे विच उहने इहो जिहा की बंब कढ़िया की पटाका होएगा इहदे विच हे वी गो मुझे कार से बिना नींद नहीं आती मैं कहानी सुनाऊंगा तो सो जाएगी ये ना कहानी है अंग्रेजी राज के उस वक्त की जब सब लोग उनके खिलाफ एकजुट हो रहे थे अच्छा जी सिवाय एक शख्स के अच्छा क्योंकि उसको लगता था कि अंग्रेज बुरे नहीं है यही फिरंगी होना का अच्छे लड़के किसी सियाने आदमी बुला लो सियाना उस दिन ऐसे बच्चों के साथ थोड़ा जिंदगी की हर दौड़ में अंतर यू आर रिजेक्टिंग तेरी पुट्ठा ही दसी है सारा कुछ हाथों का तो पता नहीं पर उसके पैरों में जादू था ओ अच्छा चुक कढ़दा है टुइयां दी हैं दादी कहती इससे शफा चली जाती है वाल क्रैक करोगे बंदूक मिलेगी तो डंडा वगैरह सही जा रहा है यार सही है बदली हुई है कैसे आज नजर ये दुनिया का राजकुमार था वो और एक दिन उसे अपनी राजकुमारी भी मिल गई ओके राजकुमारी गॉड सर की मुझे कहानी सुनी है चुपचाप सुन अंग्रेज बुरे लोग नहीं महाराजा के हुक्म के मुताबिक आप सबको गांव खाली करना पड़ेगा कानून से बढ़कर कुछ नहीं होता है कानून से बड़ा मांझा होता है जैसे कोई तो पैसा दिखाने का मोनिका गिल ओके तू मत ज्यादा दादी ना बन मैं नहीं छोड़ने के लिए तुझे खुद नहीं आती और मुझे सुना बेचारे जवाक भी ओके गाइस सो ए सीगा जी ट्रेलर जिहड़ा आप रल के वॉच किया सारिआं ने मैनूं लगदा मैनूं अज हिंदी विच गल कर लेनी चाहीदी है क्योंकि फिल्म हिंदी है ते अपने और भी कई जगहों से
जो वीडियो को देखने वाले हमारे साथ जुड़े होंगे। सो बात करें अगर हम ट्रेलर की, तो ट्रेलर इज क्वाइट ऑसम। कपिल शर्मा की एक्टिंग की दाद देनी पड़ेगी यार, उसने कैसे एक अपनी एक्टिंग को एक दायरे में रख के और जो अपनी कॉमेडी की है उसमें बीच बीच में अपने जो उसने एक्टिंग स्किल्स दिखाए हैं, ब्रिलियंट गाइज। ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है, जैसे एक कॉमेडियन को टर्न करना है एक्टिंग अपने एक्टर में, एक्टर बनना है उसने, तो ये एक रिस्क वाली बात भी होती है कि जो एक जो ऑडियंस है उसको इस रूप में एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। सो जैसे हमने देखा था कि पहले उनकी फिल्म आई थी किस किस से प्यार करूँ, आई थिंक समथिंग लाइक दैट, सो उसमें उन्होंने बहुत बढ़िया जो अपना नाम कमाया था, क्योंकि इनका नाम एक बन चुका है, एक ब्रांड बन चुका है ये। तो अगर पहले जैसी भी वो फिल्म थी, चलो कॉमेडी थी जो भी था, लेकिन अब ये वाली फिल्म बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव्ड है कॉन्सेप्ट वाइज, स्टोरी वाइज, और अगर हम बात करें उसकी एक्टिंग की, तो एक्टिंग का तो भाई मैं फ़ैन हो गया हूँ रियली गाइज। जो उसने मेहनत की है वो दिख रही है, सो ये एक बहुत बढ़िया बात है। जो उसकी प्रोडक्शन है वो उसका ही होम प्रोडक्शन है, K9 फिल्म्स के अंडर जो फिल्म उन्होंने रिलीज़ कर रहे हैं। तो जो म्यूज़िक है, म्यूज़िक भी गुड है, मूवी का बहुत बढ़िया चल रहा है। और सबसे मेन बात कि जो पूरी फिल्म है वो सिर्फ और सिर्फ कपिल शर्मा के बिहाफ पे ही चल रही है, उसके अपने सर पे ही पूरी फिल्म वो चलाने की कोशिश कर रहा है, और मेरे ख्याल ये चल भी जाएगी और बॉक्स ऑफिस पे भी पूरा धमाल कर देगी। अगर हम स्टोरी की बात करें, स्टोरी काफ़ी हद तक हमें पता लग रही है कि, लेकिन कुछ सस्पेंस इन्होंने जरूर रखा है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि पूरा गांव उनको खाली करना पड़ा और कपिल शर्मा पे ही जो सारे इल्ज़ाम है वो मंगे पे ही आ जाते हैं। तो ये एक देखने में बढ़िया होगा कि पता एक क्यूरियोसिटी अंदर पैदा हो जाती है कि भाई इसमें आगे क्या होने वाला है, वो देखेंगे ज़रूर। तो ये एक टैक्टिस होती है ट्रेलर बनाने की, सो बहुत बढ़िया इनकी स्ट्रेटेजी रही है और मुझे अच्छा लगा कि इन्होंने ऐसे ट्रेलर को दिखाया है। और बाकी सब कुछ वेल एंड गुड है यार, बहुत बढ़िया मूवी होने वाली है, प्लीज़ जरूर जाके देखना अपने सिनेमा घरों में, मैं भी जरूर देखूंगा, और हो सकता है हम इनका इस मूवी का मूवी रिव्यू भी करें, वो आप हमारी वेबसाइट पे देख सकते हो www.punjabireel.in। सो गाइस, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और मैं आपको ऐसे ही मिलते रहूंगा नई नई वीडियोस के साथ। #BR लेके अपना कोई भी कमेंट, सुजेशन, सुझाव मुझे दे सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। तो मैं मिलूंगा आपको किसी और वीडियो के साथ, तब तक आप रखना अपना ख्याल, सत श्री अकाल, ते चक्की रखे दई काम।